वापस आगरा ले चलेंगे, जहां दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उनके साथ आम आदमी पार्टी के यूपी प्रभारी संजय सिंह भी मौजूद हैं। राष्ट्रवाद क्या है, आम आदमी पार्टी का राष्ट्रवाद क्या है? भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रवाद है कि गरीब के बच्चे को स्कूल में नमक रोटी मिले मिड डे मील में। भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रवाद है कि कोरोना की महामारी में लाशें नदियों में सड़ती रहें, लोगों को इलाज नसीब नहीं हो पाया। भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रवाद है कि उत्तर प्रदेश में 6 साल 8 साल 10 साल की बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है, कानून व्यवस्था बनाने में वो सफल नहीं हो पा रहे हैं। हाथरस जैसा कांड यही हुआ, जहां रात के 2 बजे गरीब की बेटी को जला दिया गया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रवाद के खिलाफ आम आदमी पार्टी का राष्ट्रवाद यह है कि गरीब के घर में रोशनी हो, 300 यूनिट बिजली उसको फ्री कैसे मिले, कैसे दिल्ली की तरह, जैसे शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी ने आज आलीशान स्कूल वहां पे बनाए हैं बच्चों की पढ़ाई के लिए, स्विमिंग पूल का निर्माण स्कूलों में हुआ है, एयर कंडीशन कमरे बच्चों के लिए बने हैं, हॉकी के ग्राउंड बने हैं, एथलीट के ग्राउंड बने हैं, बच्चे अच्छी पढ़ाई ले रहे हैं, वो स्कूल का सपना उत्तर प्रदेश में भी पूरा हो। आम आदमी पार्टी का राष्ट्रवाद है कि हम उत्तर प्रदेश के लोगों को अच्छी शिक्षा दें, अच्छा स्वास्थ्य दें, मोहल्ला क्लिनिक की तरह गांव-गांव में यहां पे क्लिनिक बने। उत्तर प्रदेश में आज ऐसी सरकार चल रही है जो कहती है गांव-गांव में शमशान होना चाहिए, आम आदमी पार्टी कहती है गांव-गांव में स्कूल होना चाहिए, अस्पताल होना चाहिए, उद्योग होना चाहिए, रोजगार होना चाहिए, तरक्की होनी चाहिए, विकास होना चाहिए। हम शमशान बनाने वाली विचारधारा नहीं चाहते। बीजेपी एक मनहूस पार्टी है जिसने गांव-गांव में कोरोना की महामारी के दौरान शमशान बना दिया, और 17 में इन्होंने कहा था हर गांव में शमशान बनाएंगे। ये शमशान बनाने वाली मनहूस पार्टी है, और हम स्कूल अस्पताल बनाने वाली, फ्री बिजली देने वाली, माताओं बहनों को फ्री बस की यात्रा देने वाली आम आदमी पार्टी है, जो कानून व्यवस्था के लिए भी काम करेगी, शिक्षा स्वास्थ्य बिजली पानी के लिए भी काम करेगी। तिरंगा यात्रा 403 विधानसभाओं में पूरे उत्तर प्रदेश में मनीष सिसोदिया जी के अयोध्या यात्रा के बाद आयोजित की जाएगी। मोदी और योगी कहते हैं कि यूपी नंबर वन है। किस चीज में नंबर वन है? क्राइम में नंबर वन है, दिल्ली का वोटिंग लगी, अस्पताल के बदहाली में नंबर वन है, कोरोना की महामारी में नंबर वन है, किस चीज में नंबर वन है यूपी? लेकिन जहां पे 8 साल उत्तर प्रदेश इस चीज में नंबर वन है, मैं बता रहा हूँ। अब तक आप लोगों ने सुना होगा डाकू फरार, माफिया फरार, चोर फरार, डकैत फरार, यहाँ पे इंद्रक्रांत त्रिपाठी की हत्या करने वाला एसएसपी फरार है, 302 का मुजरिम, जिस राज्य में एसएसपी फरार हो रहा है वो आप समझ सकते हैं कानून व्यवस्था की हालत क्या होगी। सर अभी अमिताभ ठाकुर आईपीएस है, उनको जेल में भेजा गया, आप क्या मानते हैं? लेकिन हम कड़े शब्दों में भर्त्सना करते हैं, और एक पूर्व आईजी को इस प्रकार से आतंकवादियों की तरह गिरफ्तार करना पूरी तरह गलत है, और हम इसकी भर्त्सना करते हैं। एफआईआर लिख दी गई है, तो यही काम कर रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री मुकदमा मंत्री हैं, ऑक्सीमीटर और थर्मोमीटर में घोटाला हुआ इस सरकार में, बेसिक शिक्षा मंत्री का घोटाला हुआ इस सरकार में, जल जीवन मिशन में 1000 करोड़ का घोटाला हुआ इस सरकार में, तो पानी चोरी से लेकर चंदा चोरी तक सारा काम तो ये कर रहे हैं, प्रभु श्री राम के नाम पे चंदा चोरी कर रहे हैं लोग, तो इसलिए काम बदलने की जरूरत है। संजय जी, अभी आपने कोरोना महामारी की बात करी, लेकिन कोरोना महामारी की तो दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाएं भी फेल हुई थी। दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाएं देश में नंबर वन अव्वल थी। दिल्ली वो राज्य था जहाँ पे देश नहीं एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल 10,000 बेड का हॉस्पिटल बना। लेकिन दिल्ली वो राज्य था, सुनिए सुन तो लीजिए, आप धैर्य से सुन लीजिए, दिल्ली वो राज्य था जहाँ पे ऑक्सीजन बेड, जहाँ पे आईसीयू बेड, जहाँ पे लोगों की दवाएं, लोगों का इलाज बेहतर करने के लिए दिन रात हमारे मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, पूरी सरकार काम करती रही। उत्तर प्रदेश वो राज्य था जहाँ पे लाशों को छिपाने के लिए 3 सेट लगाए जा रहे थे, जहाँ पे 12,000 का सिलेंडर 55,000 में खरीदा जा रहा था, जहाँ पे 800 का ऑक्सीमीटर 5,000 में खरीदा जा रहा था, 1600 का थर्मोमीटर 13,000 में खरीदा जा रहा था, आपदा में अवसर तलाश रहे थे। जब उत्तर प्रदेश की कोरोना की महामारी में लोगों की जान जा रही थी, ये प्रभु श्री राम के मंदिर के निर्माण के नाम पे चंदा चोरी कर रहे थे, ये है इनके। संजय जी सपा के अलावा आप सुन रहे थे संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के यूपी प्रभारी। इसके साथ ही डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी उनके साथ मौजूद रहे, और आपको बता दें आम आदमी पार्टी की तिरंगा यात्रा की शुरुआत आगरा से होने जा रही है, और संजय सिंह का कहना है ये तिरंगा यात्रा जो है 403 विधानसभाओं में
से गुजरेगी और इसका नेतृत्व जो है डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया करेंगे। तो आज से तिरंगा यात्रा की शुरुआत कर रही है आम आदमी पार्टी। और अगली खबर गोरखपुर से है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की है, जनता दर्शन में लोगों से मुलाकात भी की।